ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर महिला का सरकुचला शव मिलने से मची सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की पहचान में पुलिस जुट गई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर महिला का सर और हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई, जिसकी वजह से महिला की पहचान नहीं हो सकी। साथ ही पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि हो सकता है कि किसी ने हत्या करने के बाद महिला को यहाँ फेंका हो। फिलहाल कई एंगलों से महिला की मौत की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा दादरी कोतावली क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में सरकुचले शव मिलने से सनसनी फैल गई। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। महिला की शव मिलने की सूचना मिलते ही दादरी कोतावली पुलिस मौके पर पहुंच गई और महिला की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन महिला का सर किसी बड़े वाहन की चपेट में आने से सर कुचल गया, जिसकी वजह से महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और महिला की मौत की जांच में जुट गई। आज सवेरे लगभग 7 बजे के आसपास थाना दादरी पुलिस को एक महिला के शव की सूचना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर प्राप्त की। महिला के शव की सूचना प्राप्त होने के उपरांत सभी उच्च अधिकारीगण सब थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पाया गया कि महिला के हाथ पैर और सिर में चोट के निशान हैं। मौके से एक बड़े वाहन जैसे कि ट्रक के भी टायर के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा हो रहा है कि किसी बड़े वाहन से इस महिला की टक्कर हो गई है। महिला की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है एवं सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।